हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आपके तीन प्रश्नों के उत्तर दूंगी। अपने मन में रखिए तीन क्वेश्चंस आपके कैसे, उसका देखेंगे, टाइमिंग का भी देखेंगे, कोशिश करेंगे टाइमिंग भी देखने के लिए कि कब तक वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतियाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथाय नमः। देखते हैं आपके तीन प्रश्न हैं, राइट डाउन कर लीजिए यदि कंफ्यूज हो जाए। फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा या थर्ड कौन सा है, जनरल रीडिंग है। उसी तरह आप देखिएगा, जो आपको लगे आपके लायक है उसे रिसीव करिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपके तीन प्रश्न हैं, इनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले तो मैं बता दूं, 3 नंबर आपकी लाइफ में काफ़ी मायने रखता होगा। हो सकता है 3 नंबर हो या 21 हो, जो आपकी लाइफ में आपका डेट ऑफ बर्थ हो, सपोर्टिंग नंबर हो सकता है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, वेट फॉर सम टाइम, कीप क्लेम एंड ट्रस्ट द टाइमिंग। सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ईश्वर पर विश्वास करिए। जो समय आने वाला है आपका, ये जो समय आपको लग रहा था ये समय मेरा सही नहीं है, ये जाने वाला है। गाइज, जो आने वाला टाइम है उस पर विश्वास करना सीखिए, उस पर बिलीव करिए। मैं बोलती हूँ अटूट विश्वास करिए। यदि आपका कोई भी काम रुका होगा या अभी तक जो नहीं हो रहा होगा 100% वो हो जाएगा। बट बिलीव, आप कितना विश्वास कर रहे हैं उस चीज पे, पहली चीज। थोड़ा सा टाइम दीजिए उस काम के लिए। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, आप अपने फ्रेंड से उनसे बात करना चाहते हो, सामने वाला अभी बात करना नहीं चाहता, तो थोड़ा टाइम दीजिए। हो सकता है आपका कोई जॉब का इशू चल रहा हो, आप बार बार उस चीज में जाना चाहते हैं, आपको सामने वाला टाइम नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा रुकिए, वेट करिए, सही समय आने का वेट करिए गाइस। क्योंकि जो अभी आपका टाइम चल रहा है हो सकता है वो थोड़ा भारी हो। ठीक है, तो बहुत क्लियर है ये काम आपका 3 हफ्ते में 3 दिन या 3 महीने के अंदर हो सकता है। अब आप सोचेंगे 3 महीना इतना लंबा टाइम नहीं है। हाँ, इंतज़ार जब करते हैं तो समय ऐसा लगता है कटता नहीं है, तो पेशेंस रखिए, इसीलिए मैंने आपको पेशेंस रखने को बोला। आपका सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चंस का आंसर। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में 6 नंबर बहुत मायने रखता होगा। आपका सपोर्टिंग नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है, आपके फ्रेंड या पार्टनर का हो सकता है, आपके पेरेंट्स में से किसी का नंबर हो सकता है। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की बात सुनिए, अपने दिल की बात पे बिलीव कीजिए, अपने सोल की बात सुनिए। जो भी आपको, आपसे दिल आपका कह रहा है, जो भी कह रहा है उसकी बात ध्यान से सुनिए, अपने इनर वॉइस को सुनिए। बहुत क्लियर कार्ड बोल रहा है, अपने इनर वॉइस को सुनिए स्ट्रांगली। जो आपकी इनर वॉइस बार बार एक ही चीज आपको दोहरा रही है करने के लिए या ना करने के लिए, दोनों चीजें गाइज हो सकती हैं, जनरल रीडिंग है फिर मैं आपको बोल रही हूँ। तो अब ये किसी भी उसमें हो सकता है, आप बिजनेस में पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से, जॉब के पर्पज से, आउट ऑफ कंट्री जाने के पर्पज से, किसी भी तरह को चीजों को लेकर अगर कंफ्यूज है, तो आपका जो दिल बोल रहा है, जो आपके अंदर की आवाज़ है, जो इनर वॉइस है, आप उस पर ध्यान दीजिए। वो ऐसा लग रहा है चिल्ला चिल्ला के आपको बता रही है वो चीज़ को, हो सकता है वो अभी आपको उस काम को करने को मना कर रही हो, और आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करके, अपने इनर वॉइस को नज़रअंदाज करके वो काम करने जा रहे हैं। तो रुक जाइए गाइस, यदि आपकी इनर वॉइस बोल रही है यही करो, और बाकी के आसपास के लोग हो सकता है आपको प्रेशराइज कर रहे हो कि ये काम मत करो, ये काम ऐसे मत करो, ऐसे करो, और लेकिन आपकी इनर वॉइस बोल रही है कि आपको अलग तरीके से करना है, तो जो आपकी इनर वॉइस बोल रही है वही करिए, आप वैसे ही काम करिए, किसी की बात सुनने की आपको जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका देख लेते हैं। 42,
यानी ये भी सिक्स नंबर है। फिर से बोलती हूँ, सिक्स नंबर आपका या सपोर्टिंग नंबर होगा, या आपके फैमिली मेंबर का डेट ऑफ बर्थ, या आपका होगा, या आपके किसी फ्रेंड वगैरह का, बहुत क्लोज फ्रेंड, या आपके लवर का, या आपके पार्टनर का, किसी का भी हो सकता है। ऑन द फर्स्ट ऑफ कमिंग मंथ, जो भी आप सोच रहे हैं, ये जो अब नेक्स्ट मंथ आएगा, उस मंथ से आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। आपको जो भी अभी तक बेनिफिट नहीं मिल रहे थे गाइज, आप हो सकता है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हो, बहुत स्टडी भी बहुत कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो जो बेनिफिट आपको चाहिए था नहीं मिल पा रहा था, तो खुश हो जाइए, अब वो आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा कमिंग मंथ से, जो मंथ आने वाला है यानी कि मई से। सबसे बड़ी चीज, आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव करिए। पॉजिटिव एनर्जी जिनकी है उन लोगों के संग बैठिए। जो लोग हमेशा निराश रहते हैं और निगेटिव बातें करते हैं, ये काम हो नहीं सकता, ये काम होने में बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत टफ काम है, बिल्कुल ऐसे लोगों के पास ना बैठना है आपको, ना उनकी बातें सुननी है, ना उनकी बातों पे ध्यान देना है। बस आपको ये विश्वास रखना है कि आने वाले मंथ में जो भी आपकी विश थी, जो भी आपने मेहनत करी है, वो पूरी हो जाएगी। बस आपको इतना सोचना है। आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।